everyone, welcome back to IAS Cafe. My name is Priyanka. As you all know, Vision IAS की monthly current affairs की जो magazine है, उसे हम यहाँ पे साथ में पढ़ रहे हैं. November month हम continue कर रहे हैं, जिसमें almost हम सारे sections कर चुके हैं. Environment section चल रहा है, उसका news and shorts वाला topic pending. So basically, news and shorts के नाम पे इन्होंने बहुत सारी जो reports हैं, वो यहाँ पे दे दी है. मेन फोकस पर भी रिपोर्ट के जो टाइटल्स हैं वो क्या है और किसने रिलीज करी है और थोड़ा बहुत अगर उसमें कुछ होगा तो वो भी हम यहाँ पे देखेंगे. तो फर्स्ट यहाँ पे है अबाउट द क्लाइमेट इक्वालिटी. सो बेसिकली एक ऑक्सफैम जो है उन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज करी है जिसका टाइटल है क्लाइमेट इक्वालिटी अ प्लैनेट फॉर द 99%. तो यस, हियर वी आर टॉकिंग रिगार्डिंग द क्लाइमेट चेंज. तो यहाँ पे ये जो रिपोर्ट है ऑक्सफैम की, उसके अकॉर्डिंग जो ह्यूमैनिटी है यानी कि जो लोग हैं आज के डेट में, दो चैलेंजेस एक साथ फेस कर रहे हैं जिन्होंने और जिसको इन्होंने ट्वाइन और चैलेंजेस का नाम दिया है. पहला यहाँ पे है अबाउट द क्लाइमेट ब्रेकडाउन और दूसरा है अबाउट द एक्सट्रीम इनइक्वालिटी. इनइक्वालिटी कैसे बोल दिया इन्होंने, देखते हैं रिपोर्ट के कुछ फैक्ट जो है उसके अकॉर्डिंग. 2019 में सुपर रिच 1% जो थे वो रिस्पॉन्सिबल थे फॉर 16% ऑफ द ग्लोबल कार्बन एमिशन. आई रिपीट, द सुपर रिच 1% जो है, इकलौता जो 1% ग्रुप है, वो 16% ग्लोबल कार्बन एमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था, विच वॉज इक्विवेलेंट टू द एमिशन ऑफ पुअरेस्ट 66% ऑफ द ह्यूमैनिटी. 1990 से लेके अभी तक दी सुपर रिच 1% बर्न टू ट्वाइस एज मच ऑफ द कार्बन बजट एज द पुअरेस्ट हाफ ऑफ द ह्यूमैनिटी. आपको यहाँ पे इनइक्वालिटी साफ दिख रही होगी कि अगर हम 1% कैटेगरीज की बात करें, दे हैव बर्न लगभग ट्वाइस एज कंपेयर टू द पुअरेस्ट हाफ ऑफ द ह्यूमैनिटी. सो द एमिशन ऑफ 1% इज सेड टू बी ओवर 22% टाइम्स मोर देन द सेफ लिमिट. देखो उसको थोड़ा सा समझते हैं. We can think like there is a developed country or developing country. Developed मतलब industrialized countries जो है, जो कि self-sufficient है, developed है, इनकी conditions थोड़ी सी अच्छी है. So basically, what we are saying that they are contributing more in the greenhouse gas emissions. They are contributing more in the climate change. But उसकी जो effect है, वो developing countries जो है ज़्यादा face करती हैं. Okay? So what are the certain policy recommendations? Firstly, we should radical increase in the equality. Governments must implement the proven policies to dramatically drive down the gap between the richest and the rest. Fast and just transition away from the fossil fuels and new purpose for a new age. अब यहाँ पे दो टर्म्स इन्होंने समझाया है, एक क्लाइमेट इक्वालिटी क्या है और एक क्लाइमेट इक्वालिटी क्या होती है. If we talk about the climate inequality, some communities experience disproportionate impact of the climate change because of the vulnerabilities, historical patterns of inequity, socio-economic disparities, systematic environmental injuries, injustice. और अगर equality की बात करते हैं तो जो benefit है उनमें equal distribution जो है उसके बारे में यहाँ पे बात की. दूसरा यहाँ पे है about the adaptation gap report 2023. ये जो रिपोर्ट है, इट वॉज पब्लिश बाय यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, दैट इज द UNEP. तो व्हेन वी टॉक अबाउट द एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, उससे पहले एडेप्टेशन क्या होता है उसको हम देखते हैं. कोई भी रीजन, अगर वहां पे कोई डिजास्टर है या फिर कोई भी एक वल्नरेबिलिटी हुई है, तो उससे हम जब उसका मिटिगेशन के बाद जब एडेप्टेशन मेथड्स का बात करते हैं, दैट इज समथिंग मेंशन्ड ओवर हियर, दैट इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द कंट्रीज एंड कम्युनिटीज वल्नरेबिलिटी to the climate change by increasing the impact absorption ability. ठीक है, अब adaptation gap का क्या मतलब है? मान लो कि आपने एक societal level पे goal set किया कि यहां तक मैं इतना जो है ठीक कर दूंगा. कोई भी आपने goal set किया, लेकिन आप उस goal को अभी तक बहुत हद तक fulfill नहीं कर पाए, तो कितना आप नहीं fulfill कर पाए वो जो difference है, वो जो gap है, वो यहाँ पे adaptation gap report हो जाएगा. ठीक है, so it is the difference between the implemented adaptation and societally set goal. It is determined by preferential related to the climate change impact and reflecting the resource limitations and competing the priorities.
तो व्हाट आर द की हाइलाइट्स ऑफ द रिपोर्ट? अगर हम बात करते हैं एडेप्टेशन फाइनेंसिस नीड की, वो 10 से 18 गुना ज्यादा है देन द करंट पब्लिक फ्लो, और एडेप्टेशन टू फाइनेंस गैप है वो बढ़ता जा रहा है, 194 से 366 बिलियन यूएस डॉलर्स यहाँ पे हो चुका है। नाउ एक्शन प्लान ऑन द लॉस एंड डैमेज हैज ओवरलुक्ड नॉन इकोनॉमिक लॉसेस जैसे कि कल्चरल हेरिटेज, इंडिजिनियस नॉलेज। ओनली 2% ऑफ द जेंडर टेक इंटरनेशनल एडेप्टेशन फाइनेंस जो है यहाँ पे जेंडर रिस्पॉन्स। तो क्या रिकमेंडेशन दिए गए? जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनके पास एक ड्यूटी है क्लाइमेट फाइनेंस करने की, जैसे कि 100 जो डॉलर्स उनको देने की बात करी गई हर साल, वो चीज उनको बढ़ा देनी चाहिए, डबल हो जानी चाहिए बाई 2025। जो आपके पास बजट की जब हम बात करते हैं, दैट इज इंक्रीज एंड इम्प्रूव द बजट टैगिंग एंड ट्रैकिंग फॉर द इंटीग्रेटेड अडेप्टेशन इन टू द बजट प्लानिंग। जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उसको ज्यादा से ज्यादा मोबिलाइज करना, लेवरेज द रेमिटेंसेस कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है आप उनको भी थोड़ा सा यहाँ पे इन्वॉल्व करेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पे बेटर होगा। तो बेसिकली वी सेड कि ये जो रिपोर्ट है इसको पब्लिश किया यूएनईपी ने। तो ये यूएनईपी क्या है? ये यूनाइटेड नेशन सिस्टम के अंदर एक लीडिंग एनवायरमेंटल अथॉरिटी है। 1972 में इसको बनाया गया था फॉलोइंग द यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरमेंट। अब मैंडेट की अगर बात करें तो फाइंड द सॉल्यूशन टू ट्रिपल द प्लेनेटरी क्राइसिस। 193 मेंबर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट इंडिया इज द मेंबर ऑफ यूएनईपी, राइट? यूएनईपी ने रिलीज किया क्या? एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, और यूएनईपी में इंडिया इज अ मेंबर। अब यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम और कौन कौन सी रिपोर्ट को रिलीज करता है? एमिशन गैप रिपोर्ट। ये रिपोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, आई रिपीट, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, इट इज एन इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड एनवायरमेंटल अथॉरिटी अंडर द यूनाइटेड नेशन सिस्टम। इन्होंने जो रिपोर्ट रिलीज करी है, एक तो रिपोर्ट का नाम क्या हो जाएगा आपके पास? एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट। एक है आपके पास एमिशन गैप रिपोर्ट, और फिर यह रिलीज करता है ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक। नेक्स्ट, पेरिस अग्रीमेंट सिंथेसिस रिपोर्ट 2023। पेरिस अग्रीमेंट क्या है सभी को पता है, 2015 के अंदर था। अनदर वी नो दैट 1992 आपके पास रियो डी जनेरियो ब्राजील के अंदर अर्थ समिट हुआ, जिसके अंदर 3 मेजर कंक्लूजन निकले। UNFCCC, दैट इज यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, TBD, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, UNCCD, दैट इज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बेट द डेजर्टिफिकेशन। तो जब हम UNFCCC की बात करते हैं, दैट इज क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, तो उसके अंडर आपके पास आता है पेरिस अग्रीमेंट, राइट? उस पेरिस अग्रीमेंट में हमने ये सोचा था या फिर हमने ये डिसाइड किया कि जो हमारे पास पॉल्यूशन है या फिर ग्रीन हाउस गैस एमिशन है उसको प्री इंडस्ट्रियल लेवल तक कम कर देंगे, ठीक है? तो यहाँ पे पेरिस अग्रीमेंट जब क्लियर है तो यहाँ पे देखेंगे UNFCCC की जो सेक्रेटेरिएट है उन्होंने नेशनली डिटरमाइंड जो कॉन्ट्रीब्यूशन है अंडर द पेरिस अग्रीमेंट सिंथेसिस उसको रिपोर्ट को रिलीज किया। देखो वहां पे एक और चीज थी, दैट इज कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका क्या मतलब था? चाहे डेवलप्ड कंट्री हो या डेवलपिंग कंट्रीज हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की है कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करना है। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके ऊपर ये मैंडेटरी नहीं था, राइट? ये कंपल्सरी नहीं था, उनको बस ट्राई करना है, कोशिश करना है। बट डेवलप्ड कंट्रीज जो है उनके ऊपर ये मैंडेटरी था दैट यू हैव टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस एमिशन अप टू दिस लेवल, और ये जो लेवल था ये अपनी अपनी जो कंट्रीज है वो दे। नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन भी उसी तरह से होता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो टारगेट दी थी कि हम इतना अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम कर देंगे। तो ये जो रिपोर्ट था इन्होंने कम से कम पेरिस एग्रीमेंट की 195 पार्टीज का नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन जो उसको एनालाइज किया और ये बताया कि भाई जो पेरिस अग्रीमेंट का जो गोल है वो तो किसी भी हद तक पूरा नहीं होने वाला अगर आप इस वाले ट्रैक के साथ चले। तो जिस हिसाब से आप काम कर रहे हो, जिस हिसाब से आप अपने गोल को पूरा नहीं कर पा रहे हो, तो जो पेरिस अग्रीमेंट का गोल है वो तो किसी भी हालत में पूरा नहीं होने वाला। दैट इज द वर्ल्ड इज ऑफ ट्रैक टू द पेरिस अग्रीमेंट गोल, इम्प्लीमेंटिंग द लेटेस्ट नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन इट विल इंक्रीज। तो बेसिकली कह रहे कि अगर आप अभी जो रीसेंट नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन का इम्प्लीमेंट करोगे तो इस हिसाब से तो 2030 तक 8.8% ग्रीन हाउस गैस एमिशन बढ़ जाएगा 2010 के लेवल से कंपेयर करें तो।
2030 तक हमको 45% ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कट करना पड़ेगा, तब जाके आप पेरिस अग्रीमेंट के गोल के आसपास नहीं पहुंचे। ठीक है, इंडिजिनियस पीपल्स एंड लोकल कम्युनिटीज, 40% ऑफ द पार्टीज आउटलाइन द रोल्स ऑफ लोकल कम्युनिटीज एंड द राइट्स ऑफ इंडिजिनियस पीपल्स इन अडेप्टेशन कंपोनेंट ऑफ नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन। दिस इंक्लूड एड्रेसिंग द स्पेसिफिक वल्नरेबिलिटीज ऑफ द इंडिजिनियस पीपल, एम्फसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ यूटिलाइजिंग द इंडिजिनियस नॉलेज। जेंडर सेंसिटिव अप्रोच की बात करी गई है, रिकमेंडेशन दैट टू अचीव द एमिशन पीकिंग बिफोर 2030। एसेंशियल फैक्टर्स, ये जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज का एसेस है हमको उसको बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी सेक्टर दीज डेज, अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म। Now let's talk about the UNFCCC Secretariat. United Nations Climate Change, it is tasked with supporting the global response to the threat of the climate change. UNFCCC adopted in 1992 is a parent treaty of the Paris Agreement. Paris Agreement aur national determined contribution ki bare mein yahan pe bataya gaya hai. Pehli baat to UNFCCC, that is यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये एक लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट नहीं है, बट इसके अंदर जो क्योटो प्रोटोकॉल है, जो पेरिस अग्रीमेंट है, ये सारी ट्रीटी लीगली बाइंडिंग है। 2015 में पेरिस अग्रीमेंट की जो ट्रीटी है वो आई, क्या डिसाइड हुआ था कि जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल है वहां तक 2 डिग्री सेंटीग्रेड जो उससे कम हम इसको ग्रीन हाउस गैस एमिशन को करने की कोशिश करें। फिर यहाँ पे बताया गया है अबाउट द नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन, तो बेसिकली इसमें कंट्रीज सेल्फ डिफाइंड करती है कि मेरी क्लाइमेट को लेके प्लेज ये है, मेरा टारगेट ये है, मैं इस लेवल तक अपने जो एमिशंस इसको कम कर दूंगा, और ये हर 5 साल में इनको अपडेट करने की जरूरत होती है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। एक रिपोर्ट आई है जिसका टाइटल है स्टेट ऑफ द क्लाइमेट सर्विसेज रिपोर्ट 2023। सो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिपोर्ट रिलीज करी है, दैट इज स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज। जब भी सर्विस की बात आती है, दैट इज स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज रिपोर्ट। सो दिस वॉज पब्लिश बाई WMO, दैट इज वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। हर साल इसकी रिपोर्ट आती है, तो बेसिकली इस साल का जो एनुअल रिपोर्ट आया है इसका फोकस था हेल्थ के ऊपर, कि क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है वो बहुत ही ज्यादा नेगेटिवली पड़ रहा है हेल्थ के ऊपर। क्लाइमेट चेंज में रिवर्स अ डिकेड ऑफ प्रोग्रेस टुवर्ड्स अ बेटर हेल्थ, पर्टिकुलरली इन द मोस्ट वल्नरेबल कम्युनिटी। जो एयर पोल्यूशन है, एनवायरमेंट का पहला टॉपिक हमने डिस्कस किया था आज, उसमें जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ द क्लाइमेटिक इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे सीधा फोकस हेल्थ के बारे में बताया गया। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन के अंदर आती है, 1950 में ये बनी है। ट्रेसेस इस ओरिजिन टू द IMO। इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है? इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन द स्टेट एंड बिहेवियर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। हमारा फोकस होना चाहिए कि क्या इंडिया वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है? जी हाँ। क्या इंडिया यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम का पार्ट है? बिल्कुल है। What are the other reports released by World Meteorological Organization? ये है आपके पास State of the Global Climate Report, Air Quality and the Climate Bulletin Report. Now, ice melt in the West Antarctica. सबसे पहले तो ये West Antarctica का जो map है उसको बहुत ही अच्छे से देख लीजिए prelims में, फिर मत कहना कि ये नाम कहाँ से आ गया। ये आपके पास Antarctica है, this is the South Pole, इसको बोला जाता है East Antarctic Ice Sheet। ये वाला रीजन हो जाएगा वेस्ट एंटार्क्टिक आइस शीट। यहाँ पे है आपके पास रोज सी, दिस इज योर थ्वार्ट ग्लेशियर, दिस इज योर वेडल सी, एंड दिस इज योर अमंडसन सी। अमंडसन सी को मार्क कर लीजिएगा, ये आपके पास इसमें आया हुआ है। अब बात करते हैं क्या बोल रहे हैं ये, कि अगर एक रिसर्च या रिपोर्ट की माने तो वेस्ट एंटार्क्टिका के अंदर जिस हिसाब से आइस मेल्ट पिघल रही है वो रुक नहीं रही है, कॉन्टिन्यूसली आपको वहां पे आइस मेल्ट होते हुए दिख रही है। तो रिसर्चर ने क्या किया, एक बहुत ही हाई रिजोल्यूशन का कंप्यूटर मॉडल लगाया अमंडसन सी में, और उनको ये पता चला कि जो आइस मेल्टिंग है वो नहीं रुक रही है। सो वेयर इट इज लोकेटेड? ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ द एंटार्क्टिका। अब ठीक है भाई, मेल्ट हो रहा है तो क्या हो रहा है?
इम्पैक्ट क्या होता है, सी लेवल पे सीधा इम्पैक्ट आता है, दैट अमाउंट जो है सी लेवल का वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है, यू कैन प्रीटी वेल कनेक्टेड विद द इम्पैक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज. नाउ नेक्स्ट रिपोर्ट जो है यहाँ पे वो है ग्लोबल लैंडस्केप ऑफ द क्लाइमेट फाइनेंस रिपोर्ट 2023. क्या नाम है रिपोर्ट का? ग्लोबल लैंडस्केप ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस 2023. किसने रिलीज करी? बाय द क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव. इसमें क्लाइमेट फाइनेंसिंग का मतलब बताया है दैट आप किसी भी पब्लिक, प्राइवेट या ऑल्टरनेटिव सोर्सेज से अगर आपको फाइनेंसिंग होती है, that seeks supports mitigation and adaptation actions to address the climate change. अब इस रिपोर्ट की key highlight देख लीजिए. इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एवरेज एनुअल जो क्लाइमेट फाइनेंस फ्लो है, इट रीच ऑलमोस्ट $1.3 trillion इन 2021-22. चाइना, US, यूरोप, ब्राजील, जापान एंड इंडिया, दे हैव रिसीव्ड 90% ऑफ द इंक्रीज्ड क्लाइमेट फाइनेंस. तो ये बोल रहे हैं कि ये जो क्लाइमेट फाइनेंस है, इट इज अनइवन अक्रॉस द सेक्टर्स, जैसे कि एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, दे नीड टू कंटिन्यू टू अट्रैक्ट द मेजॉरिटी ऑफ द फ्लोस. इसके बारे में देख लेंगे ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस मैकेनिज्म. सबसे पहले 1992 के अंदर जब रियो डी जेनेरियो के अंदर अर्थ समिट हुई थी, तब सबसे पहले ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी का नाम आया. ये एक यूनिक पार्टनरशिप है कम से कम 18 एजेंसीज की, विच इज वर्किंग विद 183 कंट्रीज, ताकि हम पूरे वर्ल्ड के जो एनवायरमेंटल इश्यूज है, मेजर एनवायरमेंटल इश्यूज है, उनके साथ डील कर पाए. फिर 2008 में एडाप्टेशन फंड को स्टैब्लिश किया गया, इन विच टू फाइनेंस द कॉन्क्रीट एडाप्टेशन प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम्स इन द डेवलपिंग कंट्रीज पार्टीज टू द क्योटो प्रोटोकॉल. क्योटो प्रोटोकॉल भी क्या है? बाइंडिंग. फिर आया स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड जो कि था 2001 के अंदर, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड दैट इज ये हो जाएगा, और ग्रीन क्लाइमेट फंड जिसको हम 2010 के अंदर लाके आए. अब है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर फैसिलिटी. टर्म याद रखिएगा दैट नूर अबू धाबी ऑफ UAE, ये पहले है वर्ल्ड के जिन्होंने सबसे बड़ा लार्जेस्ट स्टैंड अलोन ऑपरेशनल जो सोलर प्लांट है उसको लगाया, जिसकी कैपेसिटी है 1.2 गीगावाट. अब यहां से प्रिलिम्स में सीधे सीधे आप ये नाम याद रखेंगे, भड़ला सोलर पार्क कहाँ है? राजस्थान में. कैपेसिटी 2.25 गीगावाट. पावागढ़ सोलर पार्क कहाँ है? कर्नाटक में. कैपेसिटी 2 गीगावाट. रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट, ये कहाँ पे है? तेलंगाना में. कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये वर्ल्ड का फर्स्ट सोलर पावर एयरपोर्ट बन चुका है. ठीक, नेक्स्ट आते हैं ड्राफ्ट गाइडलाइन टू प्रिवेंट द ग्रीन वॉशिंग. पहले बात तो ग्रीन वॉशिंग क्या होती है? ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें आप एनवायरमेंटल क्लेम को लेकर मिसलीड करते हो. मतलब आपने झूठ बोल दिया कि हाँ इस एनवायरमेंट को कोई खतरा नहीं है इस प्रोडक्ट से या इस चीज से. ठीक है, दैट मीन्स एनवायरमेंटल क्लेम्स मेनली सजेस्ट और क्रिएट एन इम्प्रेशन दैट अ प्रोडक्ट और अ सर्विस हैज अ न्यूट्रल और पॉजिटिव इम्पैक्ट एंड इज लेस डैमेजिंग टू द एनवायरमेंट. इट यूटिलाइजेस ए डिफरेंट मेथड, जैसे कि आपके पास फिबिंग होता है, भाई प्रिलिम्स में आ जाएगा कि द फिबिंग टर्म वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज रिलेटेड टू व्हाट. फिबिंग का मतलब होता है जब आप फॉल्स क्लेम करते हो, जैसे कि नेट जीरो है, ग्रीन है, कि भाई इकोलॉजिकली भी बढ़िया है, उसको फिबिंग बोलते हैं. वेगनेस का मतलब होता है कि आप कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इसके बारे में नहीं दे रहे. ये टर्म यूज करी गई थी जे वसवर्ल्ड ने 1986 के अंदर. तो जो एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया है, उन्होंने गाइडलाइन तैयार करी है फॉर एनवायरमेंटल या फिर ग्रीन क्लेम इन एडवर्टाइजिंग. इट वाज फॉर्मड इन 1985 एज अ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन. तो क्या गाइडलाइंस दी है? पहला इन्होंने कहा दैट एब्सोल्यूट क्लेम्स, जैसे कि आपके पास एनवायरमेंट फ्रेंडली, इको फ्रेंडली, सस्टेनेबल, प्लैनेट फ्रेंडली, must be supposed by high level of substance. सीधा आप यहाँ पे आ जाइए काम करें. That और क्या क्या initiatives लिए गए थे यहाँ पे आप देख लेंगे. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया था ग्लोबल फाइनेंशियल इनोवेशन नेटवर्क. आई रिपीट, ग्लोबल फाइनेंशियल इनोवेशन नेटवर्क RBI का है. सेबी ने कहा डूज एंड डोंट्स रिलेटेड टू द ग्रीन बॉन्ड. फिर यहाँ पे आता है UNCCD. हमने क्या बोला, 1992 की जो मीटिंग थी अर्थ समिट, उसमें था UNFCCC, उसमें था CBG और एक था आपके पास UNCCD, that is United Nation Convention to Combat the Desertification.
तो यहाँ पे इन्होंने सबसे पहला फर्स्ट एवर डेटा डैशबोर्ड निकाला है इसको लेके, ठीक है। तो जब डेटा डैशबोर्ड निकाला है, सबसे पहले यहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है, जब लैंड डिटोरिएट हो जाती है उसकी जो फर्टिलिटी है या फिर जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो पूरी तरह से खराब हो जाती है, कम हो जाती है, वी से दैट लैंड इज बीइंग डिग्रेडेटेड, ठीक है। तो यहां से जब आपके पास लैंड डिग्रेडेशन क्लियर हो गया है, अब हम बात कर सकते हैं कि इसमें क्या बात कर रहा है डेटा डैशबोर्ड। इसमें इट कंपाइल्स द नेशनल रिपोर्टिंग फिगर्स फ्रॉम 126 कंट्रीज विच शोस दैट लैंड डिग्रेडेशन इज एडवांसिंग एट एन एस्टोनिशिंग रेट अक्रॉस ऑल द रीजंस। 2015 से 2019 के बीच की रिपोर्ट की बात करें तो कम से कम 100 मिलियन जो हेक्टर है आपके पास उसमें लैंड डिग्रेड हो चुकी है। इंडिया का 9.45% जो है लैंड एरिया डिग्रेडेड है। 36.8% ऑफ इंडियाज लैंड जो है इट इज अफेक्टेड बाय ड्रॉट। तो ये तो यहाँ पे डेटा आप देख सकते हो कि यहाँ पे हालत हो रखी है। तो इंडिया ने क्या इनिशिएटिव किया, बॉर्न चैलेंज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बॉर्न चैलेंज इज रिलेटेड टू द लैंड डिग्रेडेशन। ये चीज याद रखिएगा कि जो बॉर्न चैलेंज है ये लैंड डिग्रेडेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट आपके पास सैंड एंड द डस्ट स्टॉर्म। तो रिपोर्ट का टाइटल है जिसका नाम है सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म। ये गाइड है टू द मिटिगेशन, अडेप्टेशन, पॉलिसी एंड रिस्क मैनेजमेंट मेजरमेंट्स इन एग्रीकल्चर। इस रिपोर्ट को किसने रिलीज किया, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे ये हाईलाइट करते हैं कि जो सैंड और डस्ट स्टॉर्म की फ्रीक्वेंसी है वो लगातार बढ़ती जा रही है, ठीक है। आंधी तूफान, सैंड डस्ट स्टॉर्म्स, इसका क्या मतलब है कि जो ग्लोबल लेवल पे ड्राई लैंड है जिसकी वजह से मेन आपके पास सैंड डस्ट स्टॉर्म्स आते हैं वो एक्सपैंड हो रहे हैं, जो एरिडिटी है वो बढ़ रही है, यानी कि वापस बोल सकते हो कि लैंड डिग्रेड हो रही, ड्रॉट कंडीशंस बढ़ रहे हैं। सो बेसिकली जो सैंड डस्ट स्टॉर्म्स आते हैं ये क्या है, जब स्ट्रॉन्ग टर्बुलेंट विंड जो है इरोड करती है छोटे छोटे पार्टिकल्स। तो 75% जो ग्लोबल डस्ट है वो नेचुरल सोर्सेज से आते हैं और 25% के लिए एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब ये क्या इंप्लाई कर रहा है सैंड डस्ट स्टॉर्म्स, हमारे यहाँ पे टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसमें से ये 11 को इफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 6 है वो बात करता है क्लीन वाटर और सैनिटेशन, बट ये तो हो ही नहीं सकता अगर डस्ट डिपोजिशन हो रहा है। तो डिपोजिशन अगर डस्ट का ग्लेशियर्स पे हो रहा है उसकी वजह से वार्मिंग इफेक्ट पड़ रहा है, आइस मेल्ट हो रहा है, तो इसके लिए क्या रिकमेंडेशन दी गई, दैट सस्टेनेबल लैंड एंड वाटर मैनेजमेंट होना चाहिए, हमको एक स्टेबलाइजेशन लाना पड़ेगा थ्रू द वेरियस मेजर्स जैसे कि अफॉरेस्टेशन या एग्रोफॉरेस्ट्री। ओके, नाउ रेड सेंडर्स रिमूव्ड फ्रॉम द आरएसटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पीशीज। जब आप पढ़ते हो एनवायरमेंट में आप वहां से इसको कनेक्ट करोगे, सबसे पहले यहाँ पे लिख रखा है कि अभी साइट की 77th स्टैंडिंग कमिटी की मीटिंग हुई थी जिसके अंदर जो रेड सेंडर्स है उनको रिव्यू ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रेड की लिस्ट से बाहर कर दिया गया। तो ये जो साइट की रिव्यू ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रेड है ये प्रोसेस है जहाँ पे किसी भी स्पीशीज जो है उसका अगर आप एक्सपोर्ट करते हो उसको बहुत ही क्लोजली एग्जामिन किया जाता है और वहां पे उसको एग्जामिन किया जाता है कि वो एक्सपोर्ट हो सकती है नहीं, टू इंश्योर दैट क्या वो साइट के साथ कंप्लाइंस कर रही है या नहीं कर रही है। अब ये साइट क्या उसको थोड़ी देर में हम देखेंगे, अगर नॉन कंप्लाइंस हुआ तो उसके लिए आपके पास डिसिप्लिनरी एक्शन ले जा सकते हैं, ट्रेड सस्पेंशन आपके पास हो सकता है। 2004 से इसके ऊपर आरएससी का जो प्रोसेस था रेड सेंडर्स पे वो चल रहा था। तो बेसिकली अब आरएससी से निकल चुका है तो इट विल हेल्प फार्मर्स ग्रोइंग रेड सेंडर्स एंटर द सप्लाई चेन ऑफ द लेजिटिमेट ट्रेड, ठीक है। नाउ अगर आप इसको आरएससी से जब रिमूव कर दिया गया है तो अब ये क्या है, इट एट्रिब्यूटेड टू द अदर्स एज वेल, जैसे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। रेड सेंडर्स क्या है, इट इज एंडेमिक। जब आप एंडेमिक बोलते हैं यानी सिर्फ उसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर आपको ये मिलता है, तो इट इज एंडेमिक टू द ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स। तो बेसिकली जो ईस्टर्न घाट्स है वहां के जो ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट है वहां पे इसको बोलते हैं, इट इज नोन एज द प्राइड ऑफ द ईस्टर्न घाट। IUCN जो है उसमें ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं, साइट के अंदर अपेंडिक्स 1 में आता है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 4 के अंदर आता है। और क्या फीचर्स है,
प्लांट्स हार्ट मोट इज हैवली इम्प्रेग्नेटेड विद अ रेड डाई कॉल्ड एज अ सेंटरलिन. पढ़ लेना ये शब्द, इट इज प्रीलिम्स में आएंगे, हवा नहीं लगेगी. फिर यहाँ पे साइट्स के बारे में बात करते हैं. इसकी फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड इन द एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा. इट इज एन इंटरनेशनल अग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट. इसका एम क्या है? टू इंश्योर द इंटरनेशनल ट्रेड इन द स्पेसिमेंट्स ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स डज नॉट थ्रेटन द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज. और इसमें तीन चार कैटेगरीज है, आई एम सॉरी एक सेकेंड. तो इसमें आपके पास टोटल तीन कैटेगरीज होती है. तो यहाँ पे बात करी गई है अबाउट द ट्रॉपिकल टिप. देखो जब मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाई थी, जिसको नहीं पता आप डिस्क्रिप्शन पे देखेंगे, वहां पे आपको मिल जाएगा वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो लिंक है. ठीक है, उसमें सारे क्लाइमेट्स वे वॉच से पढ़ा रखे, वर्ल्ड ज्योग्राफी पूरी क्लाइमेटोलॉजी में कवर कर रखी. तो ये जो आप आपके पास इक्वेटोरियल रीजन के अंदर आपको जो ट्रॉपिकल वुड मिलती है, जो कि हार्डवुड मिलती है, बट वहां पे कमर्शलाइजेशन के लिए आप उसको यूज नहीं कर सकते. तो ये आपके पास 59th काउंसिल सेशन ऑफ द इंटर ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन कंक्लूडेड रिसेंटली. ठीक है, अब ये पूरा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मेजर यूज ऑफ ट्रॉपिकल टिम्बर ये मैंने ज्योग्राफी सीरीज के अंदर कवर किया है. आप वहां जाके इसको पढ़ सकते हो. हमारा जो ज्योग्राफी के लेक्चर्स है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहां पे आपको सारे जो लेक्चर्स हैं उनके लिंक मिल जाएगा. तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के बारे में वहां पे देख लेंगे. फिर है आपके पास नोहा देहिंग म्यूजिक फॉर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, उन्होंने एक न्यू स्पीशीज को डिस्कवर किया है. कहां पे? जो नमदप्पा कमलांग है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, वो रिवर है वहां पे नोहा देहिंग रिवर आ जाएगी. ठीक है, इस फ्रॉग जो है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, दैट इज द जीनस निधिराना और इसका नाम है. तो यहाँ पे पेल क्रीम कलर्ड लाइन है इनकी बॉडी पे, राउंडेड स्नाउट है. नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास हिमालयस वल्नरेबिलिटी. कंप्लीट डिटेल्ड डिस्कशन हो रखा है ज्योग्राफी की सीरीज के अंदर, आप इसको वहां पे देख सकते हैं. और क्वेक भी हमने कवर किया ज्योग्राफी में, साइक्लोन दैट इज द मिड हिल, ये भी ज्योग्राफी के अंदर कवर किया है. तो ये चीज ज्योग्राफी वाली सीरीज में आप देख सकते हैं. तो यहाँ पे एनवायरमेंट सेक्शन आज खत्म होता है. अब हम बात करेंगे अगला सेक्शन, दैट इज सोशल इश्यूज, एंड ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. अभी तक के लिए रिक्वेस्ट, आपको टाइम टू टाइम जो है अपडेट मिलता रहे कि कौन सा लेक्चर कब आ रहा है, उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर लिंक मिल जाएगा. यू कैन गो देयर एंड ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल @ISCafe, लिंक यहाँ पे दे रखा है. तो थैंक यू सो मच, जस्ट सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग अवर चैनल, लाइक एंड शेयर.